हेलो क्लास 11, कैसे हो आप सब बेटा? अब आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नया चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा है और साथ ही साथ जो भी मैं इसके नोट्स बनवाती जा रही हूँ, जो भी डेफिनेशंस, कंसेप्ट्स, रिजल्ट्स, फॉर्मूले, वो आप कॉपी में पूरे नोट करोगे। ठीक है, तो देखो ट्रिग्नोमेट्री तो आपने 10th क्लास में भी पढ़ी हुई है ना? तो ट्रिग्नोमेट्री तो वही है, लेकिन हमने वहां पर एक बाउंडेशन थी कि सिर्फ एक बेस पढ़ा था कि 6 T फंक्शंस होते हैं, इट मीन्स टी रेशोज होते हैं, और वो सारे राइट ट्राइंगल पर बेस्ड थे, और उनमें हमने 6 फॉर्मूले पढ़े, और जो भी पढ़ा 90 डिग्री तक पढ़ा, जो एंगल का मेजरमेंट था वो 90 डिग्री तक पढ़ा। अब हम उससे आगे भी पढ़ेंगे, और मेजरिंग एंगल्स जो है वो ऐसा नहीं है कि डिग्री में ही हो, ठीक है, और भी यूनिट्स में होते हैं, तो वो सारा हम पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले आप देखो एंगल, ठीक है, देखो एंगल्स, एंगल्स में आपको सभी को पता है कि ये एक इनिशियल साइड है, इनिशियल साइड रोटेट होती है, कोई भी इनिशियल साइड है, ठीक है, और वो जब रोटेट होती है तो जितना भी अमाउंट कवर करती है रोटेट होकर, तो ये अमाउंट क्या कहलाता है? मेजर ऑफ एंगल, ठीक है, और इससे क्या बन जाता है? एक एंगल बन जाता है। ठीक है, तो यहां पर मैंने दो टाइप के एंगल बनाए हैं, एक ये इनिशियल साइड, और इसको रोटेट किया, ये टर्मिनल साइड, इस साइड रोटेट किया ना, ओके, ये, और ये इसका वर्टेक्स, तो ये जो एंगल बनता है, ओके, ये कहलाता है पॉजिटिव एंगल। इसको हम कहाँ पे घुमा रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक, और क्लॉकवाइज ये, ठीक। तो यदि हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इनिशियल साइड को रोटेट करते हैं तो जो एंगल बनता है वो पॉजिटिव एंगल होता है, ठीक है, और यदि हम इनिशियल साइड को क्लॉकवाइज रोटेट कराते हैं, कैसे क्लॉकवाइज रोटेट कराते हैं, तो हमारा क्या बनता है? नेगेटिव एंगल, ठीक है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, इसमें आपका पॉजिटिव एंगल क्रिएट होता है और इसमें आपका नेगेटिव एंगल क्रिएट होता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि यदि मैं किसी साइड को ऐसे रोटेट करूंगी, ये इस डायरेक्शन में, तो वो एंटी क्लॉकवाइज हो गया, यानी पॉजिटिव एंगल बन गया, और मैं यदि इसको नीचे करती हूँ यानी क्लॉकवाइज करती हूँ तो क्या बनेगा? नेगेटिव एंगल, ठीक है। जैसे ऊपर गए तो मान लो पॉजिटिव 60 डिग्री, और ऐसे आए क्लॉकवाइज तो नेगेटिव 60 डिग्री, ठीक। तो दो टाइप के एंगल हो गए आपके, पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल, ठीक है। ये मैंने एंगल की डेफिनेशन लिख दी है, एंगल इज ए मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ गिवन रे, गिवन रे मतलब इनिशियल रे जो है, रे अबाउट सेट इनिशियल पॉइंट, इस इनिशियल पॉइंट के अबाउट, ठीक है, जो भी रोटेट होती है रे, जिसे हम इनिशियल साइड भी कहते हैं, तो उससे क्या बनता है? एक एंगल, और ये है मेजर ऑफ एन एंगल, मेजर ऑफ एन एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन, ठीक है, रोटेशन का जो पूरा अमाउंट होगा वो क्या होता है? मेजर ऑफ एंगल, ठीक है, ये इनिशियल साइड से लेकर टर्मिनल साइड तक जितना भी अमाउंट कवर हो वो मेजर ऑफ एन एंगल है। तो मेजर ऑफ एंगल जो है आपका, भाई एंगल है, मेजर करना है तो कोई ना कोई मेजरिंग यूनिट तो होंगी ना, तो यहाँ हम आज 2 यूनिट पढ़ेंगे, ठीक है, वो 2 यूनिट है आपकी, एक डिग्री मेजर, एक रेडियन मेजर, ठीक है। डिग्री वर्ड तो आपने सुना हुआ है, तो सबसे पहले हम डिग्री मेजरिंग की बात करेंगे, तो यूनिट्स ऑफ मेजरिंग एंगल में सबसे पहले हम डिग्री मेजर की बात करें, तो देखो आपके पास कोई इनिशियल साइड है, इनिशियल साइड को मैंने टर्मिनेट कर वापस, जो टर्मिनल साइड बनी आपकी वापस उन्हीं इसी इनिशियल साइड पर आ गई कंप्लीट, एक रेगुलेशन कर लिया कंप्लीट, ये इनिशियल साइड और वापस
ये टर्मिनल साइट, तो एक कंप्लीट रिवोल्यूशन कर लेते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, 360 डिग्री, यही बोलते हैं ना, 360 डिग्री। ठीक है, तो 360 डिग्री आप सभी को मालूम है कि कंप्लीट रिवोल्यूशन होता है। तो 1 डिग्री क्या होगा, 1 डिग्री क्या होगा, 1/360। ओके, एक कंप्लीट जो आपका रिवोल्यूशन है ये पूरा ये 360 का है। ठीक, तो 360 में ये कंप्लीट रिवोल्यूशन बन गया। तो इसका 360 डिग्री में बटा हुआ है ये पूरा एक चक्कर, तो पूरा एक चक्कर में 360 है, 360 डिग्री है। अब इनमें से एक जो डिग्री है, इनमें से 1 डिग्री जो है वो क्या है, 1/360 पार्ट, यानी बहुत छोटा सा हिस्सा, पूरे 360 डिग्री का 1/360 जो पार्ट है वो कहलाता है 1 डिग्री। ओके, 360 डिग्री का एक कंप्लीट रिवोल्यूशन है, तो 1 डिग्री क्या हुआ, 1/360 ऑफ अ कंप्लीट रेवोल्यूशन। ओके, तो एक जो डिग्री है वो कैसे बना, 1/360 वा हिस्सा, 1/360 जो पार्ट है कंप्लीट रेवोल्यूशन का, पूरे रेवोल्यूशन का 1/360 हिस्सा क्या कहलाया, 1 डिग्री। ओके, तो यही डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है मैंने कि इफ अ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल साइट टू टर्मिनल साइट, एक रोटेशन इनिशियल से टर्मिनल साइट तक इज 1/360 ऑफ रिवोल्यूशन, द एंगल इज सेड टू बी हैव मेजर ऑफ 1 डिग्री। ओके, वो मेजरिंग क्या कहलाई, 1 डिग्री। ठीक है, तो यही चीज मैंने यहाँ पे डेफिनेशन के फॉर्म में लिख दी है। ओके, सारा आपको नोट करना है। अब ये देखिए, 1 डिग्री को फर्दर, 1 डिग्री को और यदि मैं 60 हिस्सों में डिवाइड करूं, 1 डिग्री को, ए डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 60 मिनट। ठीक है, 1 डिग्री को कितने मिनट में डिवाइड किया गया, उसके और छोटे पार्ट किए गए, ठीक है, तो वो कहलाए मिनट्स। तो 1 डिग्री को 60 मिनट के इक्वल माना गया, 1 डिग्री को 60 मिनट के इक्वल कंसीडर किया गया, और 1 मिनट को अगेन 60, तो वो क्या था, 1 मिनट इज डिवाइडेड इनटू 60 सेकेंड्स। इट मींस 1 डिग्री आपका 60 मिनट के इक्वल रखा गया और 1 मिनट 60 सेकेंड्स के। तो डिग्री को, 1 डिग्री को यदि हम मिनट में कंसीडर करते हैं तो 1 डिग्री मतलब 60 मिनट। तो 1 डिग्री जितना आपका टाइम होगा, 1 डिग्री कवर करने में जितना टाइम लगेगा, 360 का 1/360 पार्ट कवर करने में, वो आपका 60 मिनट होगा। 1 डिग्री किसके बराबर माना जाएगा, 60 मिनट के बराबर, और 1 मिनट को फिर 60 कर दिए जाए तो वो 1 मिनट 60 सेकेंड में कन्वर्ट होगा। तो जो डैश सिंबल है वो मिनट को रिप्रेजेंट करता है, और डबल डैश सिंबल किसको रिप्रेजेंट करता है, सेकेंड्स को। तो अब आप ये दिमाग में रखना कि 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर है और 1 मिनट 60 सेकेंड के बराबर है। ठीक है, और 1 डिग्री आपका किसके इक्वल है, 1/360 पार्ट ऑफ कंप्लीट रेवोल्यूशन। ठीक है, तो वो कंप्लीट रेवोल्यूशन का 1/360 पार्ट 1 डिग्री किसके बराबर है, 60 मिनट के बराबर है। ठीक है, और 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर, तो ये दोनों याद रखना है आपको। तो ये तो हुई हमारी डिग्री मेजरमेंट की डेफिनेशन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे दूसरा है आपका रेडियन मेजरमेंट। डिग्री तो आपने सुना हुआ है, लेकिन कैसे निकला 1 डिग्री ये भी पता चल गया। अब हम बात करेंगे रेडियन मेजर की। ठीक है, तो रेडियन मेजर एक सर्कुलर सिस्टम पे डिपेंड है। ठीक, तो जो सर्कुलर सिस्टम है उस पे डिपेंड है। तो देखिए, यदि ये मैंने एक सर्कल बनाया हुआ है, ठीक, ये सर्कल मैंने 1 यूनिट का बनाया है,
एक यूनिट का एक सर्कल बनाया, उतने ही यूनिट का ये मैंने आर्क लिया ए बी आर, ठीक। तो जो सेंट्रल पे एंगल बनेगा वो एंगल आपका 1 रेडियन होगा, ठीक है। वो एंगल क्या होगा, 1 रेडियन। जितना यहाँ रेडियस है उतना ही यहाँ पे कर दिया जाए, यानी कि ये आर 1 है, ये आर भी 1 है, और ये भी आर के बराबर लेंथ ऑफ आर्क ले ली जाए, लेंथ ऑफ आर्क मतलब एल। तो ये तीनों यदि इक्वल हैं तो आपका क्या बनेगा, 1 रेडियन, ठीक है। अब देखो ये दोनों बराबर है 1 रेडियन। अब सपोज करो कि भाई ये आर आर है, लेकिन ये आपका आर के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो आपका जो रेडियन है वो रेशो क्या होगा, एल बाय आर, ठीक है। उसका भी डिस्क्रिप्शन यहाँ देती हूँ मैं आपको, तो वो रेडियन एल बाय आर होगा, ठीक है। ये कैसे होगा यहाँ पे देखते हैं हम। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर एंड आर्क ऑफ लेंथ आर विल सबस्टेंड एन एंगल ऑफ 1 रेडियन। यदि रेडियस आर का एक सर्कल में जो लेंथ ऑफ आर्क है वो भी आपकी आर एंगल आर ही है, मतलब ये दोनों बराबर है, यदि ये भी आर है और ये भी आर है, आर जो भी हो 1 यूनिट 2 यूनिट, ये यदि तीनों बराबर है आर आर आर, ठीक है। तो एल और आर बराबर है तो आपका क्या बनेगा, 1 रेडियन, ओके। ये दोनों इक्वल है तो देखो अब एन आर्क ऑफ लेंथ आर विल सबस्टेंड एन एंगल 1 रेडियन, सो एन आर्क ऑफ लेंथ ऑफ लेंथ 1, आर की जगह 1 है तो एंगल कितना बनेगा, 1/r, ठीक है। आर्क ऑफ लेंथ यदि आर है तो एंगल कितना है, 1 रेडियन। यदि लेंथ ऑफ आर्क 1 है तो 1/r रेडियन। यदि लेंथ ऑफ आर्क एल है, लेंथ ऑफ आर्क कितनी है, एल है, तो आपका एल बाई आर, क्योंकि यदि एल और आर बराबर हो जाते हैं, एल और आर बराबर हो जाते हैं तो कितना बन जाता है, 1 यूनिट, ओके। तो ये आपका एन 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 आर्क ऑफ लेंथ एल एन आर्क ऑफ लेंथ एल विल सबस्टेंड एन एंगल इज इक्वल टू एल बाई आर रेडियन, ठीक है। तो जो भी आर्क है एल लेंथ का तो वो एंगल क्या होगा, एल बाई आर होगा, तो वो थीटा आपका क्या बनेगा, एल बाई आर रेडियन, ओके। तो थीटा मतलब जो भी एंगल है आपका ये चीज, ठीक। अच्छा अब देखिए सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस आर, रेडियस आर का सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2πr, और यदि रेडियस 1 है, यदि रेडियस 1 है तो क्या होगा, 2π। तो आपके कंप्लीट रेगुलेशन का ये आपका 2πr है, ये कंप्लीट क्या है, 2πr, और यदि r 1 यूनिट है तो पूरा कंप्लीट रेगुलेशन क्या कहलाता है, 2π, ठीक है। तो एक कंप्लीट रेगुलेशन ऑफ द इनिशियल साइज सबस्टेंड ऑफ 2π रेडियन, एक कंप्लीट रेगुलेशन को हम क्या बोलेंगे रेडियन मेजर में, 2π रेडियन। और वैसे हम कंप्लीट रेगुलेशन को क्या बोलते थे डिग्री मेजर में, 360 डिग्री। तो डिग्री मेजर में कंप्लीट रेगुलेशन 360 डिग्री का है, और रेडियन मेजर में कंप्लीट रेगुलेशन को हम क्या बोलेंगे, 2π। तो ये आपका 2π की लैंग्वेज में होगा रेडियन मेजर, और ये किसमें है, डिग्री में, ठीक है। ये 2π रेडियन, ये 360 डिग्री, तो ये आपका डिग्री मेजरमेंट है और ये रेडियन मेजरमेंट है। तो एक रेडियन कब बनता है, जब एल और आर इक्वल हो, और ये दोनों इक्वल ना हो तो रेडियन कितना होता है, एल बाई आर रेडियन, ठीक है। वो ये डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मैंने समझा दिया है, ठीक है।
वन का है वन बाई आर, तो एल का होगा एल बाई आर, और एल और आर बराबर हो जाएंगे तो अपॉन में कट के वन ही आएगा, ठीक है। तो ये आपके दोनों क्या हो गए, मेजरिंग ऑफ एंगल। ओके, अब देखिए रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड रियल नंबर, ठीक है। जैसे कि अब एक रेडियन कब बनता है, जब जितना रेडियस है उतनी ही, जितना आपका ये रेडियस है OA उतना ही आप ये आर्क लगाते हो, AB उतना ही लेंथ ऑफ आर्क हो, तो उसका रेडियस रेडियस क्या रिप्रेजेंट करता है, वन रेडियन, ठीक है। तो यदि यहाँ पर वैसे तो थीटा बराबर एल अपॉन आर है, अभी हमने प्रूफ किया, ठीक है। अब यदि आर इज इक्वल टू वन है, तो आर इज इक्वल टू वन तो थीटा बराबर क्या आ गया, एल रेडियन, ठीक है। और यदि ये दोनों बराबर हो, एल और आर, ये भी हमने प्रूफ कर लिया है कि दोनों ही इक्वल हो, तो थीटा क्या होगा, वन रेडियन, ठीक है। तो आपने देखा कि थीटा, जैसे आर इज इक्वल टू वन है, वन है, जब आर वन होता है तो उसे यूनिट सर्कल कहते हैं, क्या बोलते हैं, यूनिट सर्कल। तो एक यूनिट सर्कल में थीटा एल के बराबर होता है, या आर और एल बराबर हो तो वन रेडियन, वन रेडियन बनता है। तो ये जो नंबर्स आते हैं वो थीटा की जो भी वैल्यू आती है रेडियन में, वो एक रियल नंबर रिप्रेजेंट करती है। वो क्या रिप्रेजेंट करती है, हमेशा एक रियल नंबर, क्योंकि रेशो होता है ये लेंथ ऑफ आर और रेडियस का रेशो, तो जो भी आएगा वो एक रियल नंबर आएगा। तो यहाँ पर अब हम बात कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड रियल नंबर, ठीक है, कि रेडियन और रियल नंबर के बिटवीन कैसे एक दूसरे को रिलेट करते हैं। जैसे देखिए ये एक सर्कल है, ओके, इस सर्कल के पे मैंने यहाँ पर एक लाइन बनाई हुई है, इसमें से एपी लाइन को मैं एंटी क्लॉकवाइज और इसको ए क्यू को क्लॉकवाइज रोटेट करूं, एपी को और इसको, तो ये सारे रियल नंबर इस पे आएंगे, इसके सर्कमफ्रेंस पे, सारे रियल नंबर किस पे आएंगे, इसके सर्कमफ्रेंस पे। तो आप देखो सारे रियल नंबर इस सर्कमफ्रेंस यानी कि जो इसकी टू पाई है इसको रिलेट करते हैं, टू पाई मतलब पूरे लेंथ ऑफ सर्कमफ्रेंस, टू पाई के ऊपर सारे रेडियस आ जाएंगे, सॉरी रियल नंबर्स इस पर कॉन्साइड कर जाएंगे, ओके। तो इस चीज को मैं कन्वर्सली भी कह सकती हूँ कि यदि मैं एक थ्रेड लूँ और थ्रेड को बीच में से ब्रेक करूं तो ये रियल नंबर पे आ जाएगा पूरा एक लाइन। तो यानी कि जो भी सर्कमफ्रेंस है उसके ऊपर जितने भी नंबर्स हैं, ठीक है, वो सारे क्या है, रियल नंबर है, इट इज रिप्रेजेंट लेंथ ऑफ आर, ओके। तो यहाँ पे यही चीज बताई गई है कि रेडियन जो भी हमारी वैल्यू आती है वो एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करती है। इसमें ये नंबर लाइन लेके एपी और एक्यू इसको एंटी क्लॉकवाइज को क्लॉकवाइज करके एक कंप्लीट सर्कल रिप्रेजेंट कर दिया गया है। तो बस वही चीज है कि इफ वी रोप द लाइन एपी इन द एंटी क्लॉकवाइज और अलोंग द सर्कल और एकी एक्यू क्लॉकवाइज, सो एवरी रियल नंबर विल करस्पोंड टू अ रेडियन। तो हर एक रियल नंबर रेडियन को करस्पोंड करेगा, और वो कौन सा रेडियन, एल रेडियन, ठीक है, अपॉन आर। आर कितना है वो बात की बात है, आर आपका वन यूनिट है तो यूनिट सर्कल है, कोई और है तो और, ठीक है। तो बस यही चीज लिखिए कि रेडियन मेजर एंड रियल नंबर कैन बी कंसीडर एज वन, मतलब रेडियन मेजरमेंट जो भी आपका आता है और रियल नंबर को हम एक ही सपोज करेंगे, एक ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो रियल नंबर में कोई आंसर आए तो वो आपका रेडियन है, ठीक है, और अदरवाइज वो डिग्री में है। अदरवाइज डिग्री में तो आप लिखते हो ना 20 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री जो भी है, और एक सिंपल रियल नंबर लिखा है दैट इज रेडियन, ओके, वो थीटा आपका रेडियन में होगा और अदर थीटा आपका डिग्री स्पेशल मेंशन रहता है। और वैसे यदि आप चाहो तो रेडियन का एक सिंबल है वो है सी,
जैसे भाई थीटा इज इक्वल टू हम लिखते हैं एल बाई आर, थीटा इज इक्वल टू क्या लिखते हैं एल बाई आर रेडियन। तो आप यदि रेडियन ना लिखो तो एल बाई आर, ये सी रेडियन का साइन है तो आप सी लगा दोगे तो अंडरस्टूड है वो रेडियन है, ठीक है। जैसे रेडियन में थीटा की वैल्यू आपको ये लिखी मिल गई टू सी, तो इट मीन्स टू रेडियन। तो ये रेडियन मेजरमेंट है। और डिग्री मेजरमेंट में थीटा क्या लिखा रहता है, 30 डिग्री 60 डिग्री 20 डिग्री जो भी डिग्री या डिग्री मेंशन होता है, और रेडियन एक रियल नंबर रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये रिलेशन है, इस पर यदि हम ये रियल नंबर्स इस पर वो करवाएं, कनेक्ट करवाएं, ठीक है। तो बस यही चीज इसमें मैंने लिखी हुई है कि किस तरीके से ये करस्पॉन्ड करते हैं रियल नंबर किसको, उसको सरकम फ्रेंड्स को, ठीक है, कि रियल नंबर किस तरह। तो अब देखिए एक और चीज, रेडियन इज ए कॉन्स्टेंट एंगल, रेडियन एक कॉन्स्टेंट एंगल है, ये यदि मुझे प्रूफ करना है तो बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। देखो मैंने यहां पर एक एंगल ले लिया, एंगल ए ओ बी ले लिया, कितने रेडियन का, 1 रेडियन का। 1 रेडियन का तभी होता है जब ये एल और आर क्या होते हैं, इक्वल, ओ ए और ए बी लेंथ ऑफ आर्क और आर इक्वल होते हैं तो 1 रेडियन ही बनता है। तो 1 रेडियन का एंगल ए ओ बी लिया, ठीक है, ए ओ को पीछे सी तक प्रोड्यूस किया तो ये सेमी सर्कल बन गया, ठीक है। तो लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए बी सी क्या होगा, हाफ ऑफ सर्कमफ्रेंस, ए बी सी जो सर्कमफ्रेंस है ये चीज आधा आर्क है ना, तो हाफ आर्क क्या रिप्रेजेंट करता है, हाफ सर्कल। तो सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर, 2 से 2 कट गए पाई आर, तो ये वाला पोर्शन हो गया आपका पाई आर। अब देखो इसी तरीके से मैं यहाँ पर यदि एंगल की बात करूं, ये तो है लेंथ ऑफ आर्क, और यदि मैं एंगल की बात करूं एंगल ए ओ सी, तो आपको दिख रहा है 2 राइट एंगल है यानी 180 डिग्री, 2 राइट एंगल्स या 180 डिग्री भी यहां लिख सकते हो, ठीक है। अब सुनो, नाउ एंगल्स एट द सेंटर आर प्रोपोर्शनल टू द आर्क सबटेंडिंग देम, तो सेंट्रल पे जो एंगल बनते हैं, ठीक है, वो सेंट्रल पर एंगल्स और आर्क्स का रेशो क्या होता है, इक्वल, ठीक है। तो वही प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि एंगल्स एट द सेंटर आर प्रोपोर्शनल टू द आर्क्स सबटेंडिंग देम, तो आर्क और एंगल्स, ठीक है, उनका वो क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे देखो एक एंगल मैंने एओबी लिया, एंगल एओबी और एंगल एओसी का रेशो उनके आर्क के रेशो के बराबर होगा। एंगल एओबी का आर्क कितना है, एबी, एंगल एओसी का आर्क क्या है, एबीसी। तो एंगल और आर्क क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल, ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ लिख ली। अब देखो इनकी मेजरमेंट मैंने यहाँ लिख दी है, एंगल एओबी कितना था, 1 रेडियन, और एंगल एओसी कितना था, 2 राइट एंगल्स, ठीक है। लेंथ ऑफ ए बी आर्क कितनी थी, आर, आर के बराबर थी, और लेंथ ऑफ ए बी सी किसके बराबर था, पाई आर के बराबर, ये देखो, ठीक है। सारी मेजरमेंट लिख दी, एंगल की भी लेंथ ऑफ आर की भी लिख दी, क्योंकि ये दोनों बराबर है, ये दोनों ही बराबर, ये आर से आर कट गया 1/π। तो क्या रिलेशन आया कि 1 रेडियन 2 राइट एंगल्स अपॉन पाई, 1 रेडियन इज इक्वल टू 2 राइट एंगल्स इधर पहुंचा दो तो 180 डिग्री बटे पाई, 180 डिग्री में मत लिखो, 2 राइट एंगल्स, ठीक है, 2 राइट एंगल्स, ठीक है। तो लिख सकते हो वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर मैंने यहाँ पे 2 राइट एंगल्स लिखा है तो तुम 2 राइट एंगल्स लिख देना, और यदि आप 180 डिग्री लिखना चाहते हो तो वो भी सही है, इट इज नॉट इनकरेक्ट, क्योंकि ये चीज हम अभी वहां भी करेंगे, ठीक है। तो 180 डिग्री अपॉन पाई, 1 रेडियन, तो 1 रेडियन 180 डिग्री पाई है, तो ये चीज आपकी कॉन्स्टेंट है, ठीक है। ये क्या प्रूफ हो गया कि रेडियन किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉन्स्टेंट नंबर को, वो कॉन्स्टेंट नंबर 1 रेडियन किसके बराबर होता है, 180 बटे पाई के बराबर, ठीक है। तो ये हमने कॉन्स्टेंट प्रूफ कर दिया,
इसी कांस्टेंट नंबर को लेकर हम अब आगे जो रिलेशन करेंगे वो रिलेशन है रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन मेजरमेंट। आपने डिग्री मेजरमेंट और रेडियन मेजरमेंट दोनों की डेफिनेशन पढ़ ली है, अब दोनों एक दूसरे को रिलेट कैसे करते हैं वो हम यहाँ देखेंगे। अब आप ये तो देख चुके हो कि एक रेडियन एक कांस्टेंट होता है, वो कांस्टेंट होता है टू राइट एंगल्स अपॉन पाई। टू राइट एंगल्स यानी डिग्री में बात करूं तो 180 डिग्री अपॉन पाई, तो डिग्री रेडियन तो यही कनेक्ट हो गया ना, तो वही चीज यहाँ पर बता रही हूँ। देखो सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस वन यूनिट, एक यूनिट का यदि रेडियस है तो उसका सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई। भाई आपका ये 2 पाई आर होता है पूरा, और यदि 1 यूनिट का सर्कल है ठीक है तो 2 पाई आर, यदि 1 है तो 2 पाई। तो वही चीज यहाँ लिखी है कि रेडियस 1 यूनिट का सर्कमफ्रेंस 2 पाई है। इस चीज को मैं ये भी कह सकती हूँ कि 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन ऑफ इनिशियल साइड सबस्टेंड एन एंगल ऑफ 2 पाई रेडियन, एक ही बात है, दोनों का मीनिंग एक ही है। अब देखो 2 पाई रेडियन हमने क्या पढ़ा था, 2 पाई मतलब पूरा कंप्लीट सर्कमफ्रेंस, कंप्लीट सर्कमफ्रेंस मतलब 360 डिग्री। ओके तो पाई रेडियन क्या होगा, 360/2 यानी 180 डिग्री, 360/2 180 आ गया। अब देखिए पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर है, पाई रेडियन देखो इधर पाई में इधर कर दूं तो पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर है, तो एक रेडियन क्या होगा 180 डिग्री बटे पाई, तो एक रेडियन 180 डिग्री पाई है होता है। ये चीज हमने देखो यहां भी शो करी और मैंने दूसरे तरीके से इधर भी शो करके बताई है, ठीक है। ये हमने लिए आर्क और लेंथ ऑफ आर्क और एंगल की हेल्प से लिए, और ये हमारा रिलेशन डिग्री और रेडियन है उसके उससे आ गई आपकी, ठीक है। दोनों एक ही बात है पर जो प्रूफ करने का टेक्निक है वो अलग अलग हो गई है। इसमें एंगल आर्क का यूज ले लिया, इसमें डायरेक्ट एक कंप्लीट रेवोल्यूशन लेके कर दिया 2π 360, π 180, एक रेडियन 180 अपॉन पाई। तो आपके सामने एक ये रिलेशन आ गया कि एक रेडियन 180 डिग्री अपॉन पाई होता है, ठीक है। तो यदि मैं इसको पूरा सॉल्व करूं तो कितने डिग्री, डिग्री के आगे हमने फर्दर क्या पढ़ा था मिनट और फिर सेकंड्स, तो मैं इसको यहाँ पूरा कंप्लीट सॉल्व कर रही हूँ। देखो 180 डिग्री पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, तो नीचे तो 7 ऊपर गया मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 2 से कैंसिल किया 630 अपॉन 11 डिग्री आ गया, 630 अपॉन 11 को डिवाइड किया तो 57 3/11, 57 कंप्लीट होल नंबर है, और जो आपका 3/11 है डेसिमल पार्ट, ओके फ्रैक्शनल पार्ट, जो आपका डिग्री से आगे छोटी यूनिट क्या है मिनट। तो जब भी आपका डेसिमल जो पार्ट है या फ्रैक्शन पार्ट है उसको इनटू 60 कर देंगे तो वो डिग्री किसमें बदल जाएगा मिनट में, वो डिग्री किसमें बदल जाएगा मिनट में, ठीक है। तो इनटू मैंने 60 किया तो क्या आ गया 180 अपॉन 11 मिनट, 180 अपॉन 11 को डिवाइड किया, ये प्लस आप चाहे तो लगा सकते हो या हटा सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो 57 डिग्री ये आपका 180 अपॉन 11, इसको डिवाइड किया इतने मिनट को तो 16 4/11, इसको आप डिवाइड करके देख लेना, ठीक है 16 4/11। अब देखो यहाँ पर होल नंबर क्या है 16, तो होल नंबर अलग निकालते जाओगे, जैसे मैंने इधर 57 डिग्री का होल अलग निकाल दिया, जो डिग्री बची उसको मिनट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, मिनट जो भी था उसको फिर डिवाइड किया, उसका होल नंबर अलग कर दिया, और जो रेशनल सॉरी फ्रैक्शन पार्ट है डेसिमल पार्ट है तो मिनट से छोटा क्या है सेकेंड, तो 4/11 इंटू 60 अगेन कर दिया तो ये सेकेंड में बदल गया, ओके तो सेकंड में बदला तो आपका आया 240/11, तो 240/11 को आप डिवाइड करोगे, ठीक है, तो आगे डेसिमल और पार्ट आता जाएगा तो आप उसको राउंड ऑफ कर दोगे, ठीक है, ज्यादा नहीं लेना, राउंड ऑफ करना है, अप्रोक्स वैल्यू निकालनी है क्योंकि सेकंड से छोटा आपको इसमें नहीं करना, ठीक है। तो ये
240/11 यानी 240/11 को डिवाइड करोगे तो 22 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 22 ले लेना, पीछे का नंबर राउंड ऑफ कर दोगे तो 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकंड। तो एक रेडियन में 180 डिग्री अपॉन पाई जो होते हैं, तो पाई तो वैसी लैंग्वेज हो गई, रेडियन की लैंग्वेज, पाई की वैल्यू पुट कर दे तो कंप्लीट आप क्या बोलोगे कि एक रेडियन 57 डिग्री 16 मिनट 16 मिनट 22 सेकंड्स के इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, कंप्लीट राउंड ऑफ नहीं है, ठीक है। तो 1 रेडियन इक्विवेलेंट टू ये लिखा हुआ 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड्स। तो ये आपको याद रखना है, एक एक नंबर में कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अदरवाइज आपको ये निकालना आ गया है कि डिग्री, डिग्री के बाद मिनट, मिनट के बाद सेकंड, ठीक है। अभी हम इस पर डिपेंड क्वेश्चंस भी करेंगे। अब देखिए, अब बात आती है कि एक रेडियन तो आपने निकाल लिया, रेडियन को डिग्री, मिनट और सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। अब हम एक डिग्री को रेडियन कितना होगा वो देखते हैं। तो देखो, आपने पढ़ा पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, इट मींस 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। तो एक डिग्री क्या होगा, पाई अपॉन 180 डिग्री रेडियन। तो एक रेडियन को डिग्री में बदलना है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे एक रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए। और यदि मुझे एक डिग्री को रेडियन में बदलना है तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, एक डिग्री इतने रेडियन, ठीक है। अब इसको मैं आगे और सॉल्व कर रही हूँ पाई रिप्लेस करके, जैसे इधर पाई की वैल्यू रिप्लेस करके पूरा सॉल्व किया, इधर भी कर रही हूँ। पाई को मैंने वैल्यू पुट करी 22/7, तो इसको मैंने पूरा डिवाइड किया तो कितना आया 0.01746 रेडियन, ठीक है। तो ये भी इक्विवेलेंट वैल्यू है क्योंकि इसका आगे और डिविजन हो रहा था। तो एक डिग्री इक्विवेलेंट टू 0.01746 रेडियन। तो एक डिग्री में इतने रेडियन होते हैं अप्रोक्स, और एक रेडियन में इतने डिग्री, मिनट और सेकंड होते हैं अप्रोक्स। तो ये याद रखना है, और ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों के फॉर्मूले का यूज करके हम रेडियन मेजरमेंट को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे और डिग्री मेजरमेंट को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप सारा जो डिग्री की डेफिनेशन, रेडियन की डेफिनेशन और डिग्री और रेडियन में क्या कनेक्टिविटी है, ये सारे फॉर्मूले, और एक रेडियन में कितने डिग्री मिनट सेकेंड और एक डिग्री में कितने रेडियन, ये सारा अच्छे से एक बार देख लो, नोट्स अच्छी तरह लिख लो, समझ लो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस करेंगे। ओके, टेक केयर, बाय।